कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसको इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है, साबित कर दिया है बिहार के बेगूसराय के परिहारा गांव का रहने वाला अरमान ने। जी हाँ, यह मोहम्मद अरमान ने इसको सही साबित कर दिया, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो चलाया था, और मतलब ऐसे ही एक वीडियो चला दिया था इसके जज्बा को देखते हुए हमने, मतलब और वीडियो को इतना लाइक किया लो, इतना मतलब शेयर किया लो, इतना फेमस वो वीडियो हुआ, इतना वायरल हुआ कि मुंबई में रहने वाले अभिनेता सोनू सूद ने भी इस वीडियो को देखा और तुरंत मतलब मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके अरमान का नंबर लिया और उसे मतलब मुंबई बुलाया। आपको सारी कहानी मैं बताता हूँ कि बेगूसराय का रहने वाला अरमान जो है पिछले दिनों साइकिल से बेगूसराय से मुंबई जाने की ठान ली, और मतलब जब हमने इस बात को जाना तो हमने एक वीडियो उसका चलाया, उसका एक इंटरव्यू लिया, और मैंने पूछा कि क्यों तुम मतलब मुंबई जाना चाह रहे थे, तो उस पर उस अरमान ने कहा कि मैं मतलब खास करके अभिनेता सोनू सूद जो हैं उनको मतलब शुक्रिया अदा करने के लिए मुंबई जा रहा हूं, क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो हैं उन्होंने काफ़ी बिहारियों की मदद की, जो प्रवासी लाखों लाख की संख्या में बाहर रह रहे थे उसको अपने खर्चे पर अपने व्यवस्था पर बिहार भेजने का काम किया, उसमें से मैं भी एक प्रवासी था और मैं भी बिहार आया, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सअप के और फोन के माध्यम से तो कई लोग उनको शुक्रिया कहे, लेकिन मैंने मतलब सोचा कि जब वो इतने बड़े काम किए हैं तो मुझे वहाँ जा कर के शुक्रिया अदा करना चाहिए, वहाँ पर जा कर उनसे मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे फ्लाइट का या बस का, तो मैंने अपनी जादू से वहाँ पर जाने का निश्चय किया। यहाँ मैं अपनी जादू साइकिल को बोलता हूँ, मैं साइकिल से वहाँ जाने का निश्चय किया। मतलब और जब ये चीज़ें जो सोनू सूद ने जब इंटरव्यू चलाया, सोनू सूद ने जब इनको देखा तो इसके जज्बे को सलाम करते हुए, इसकी जिद को सलाम करते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनके सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया, असिस्टेंट ने, और अरमान का नंबर लिया। और अरमान का नंबर लेने के बाद तब तक अरमान जो है लगभग बनारस पहुँच चुका था, और सोनू सूद ने उनको कहा कि आप वहीं पर रुक जाएं, मैं वहीं से आपका बम्बई का फ्लाइट का टिकट बुक करवाता हूं। और मतलब अभिनेता सोनू सूद ने साइकिल सहित अरमान का मुंबई का मतलब टिकट करवा दिया, और वहां पर जब अरमान वहां पहुंचे तो उनसे मिले भी, उनसे गले भी मिले, और सारी बातों बिहार के बारे में की, क्या क्या बातें उन्होंने की, क्या गिफ्ट उन्होंने दिया, सारी बात आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हम उस शख्सियत से जिसने एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, यह है मोहम्मद अरमान। तो अरमान जी, पहले तो प्रत्येक न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके वहाँ से लाए हैं जी, तो कैसा लग रहा है आपको सोनू सूद जी से मिलकर? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, अपने लाइफ में इतना अच्छा मोमेंट अभी तक हम कभी सोच नहीं सकते थे। मैंने अपने जीवन में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल हो जाएगा। मुझे सर से मिलने के बाद बहुत ही एक अलग तरह का जुनून, अलग सीख मिला उनसे मुझे। कैसा इंसान लगे वो मिलने के बाद? अभी तक तो सुना ही था कि सोनू सर भगवान है, यहाँ बिहार के लिए, बिहार के आदमी के लिए भगवान है, लेकिन उनसे मिलने के बाद लग ही नहीं रहा था कि भाई मैं उस सोनू सूद को जो मूवी में देखता था वो, और ये सोनू सूद जो मेरे सामने है बैठे हुए हैं, ये दोनों में क्या मुझे डिस्टेंस कुछ फर्क ही नज़र नहीं आ रहा था। अब आप विस्तार से बताएं कि बनारस से मतलब कि कैसे कैसे आप मुंबई पहुंचे और क्या आप किस ढंग से सोनू सूद के घर तक पहुंचे आप? हम यहाँ से जब स्टार्टिंग किए थे अपने बिहार से, तो हम जब यहाँ से निकले थे ना तो साइकिल से जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया, एक उनके माना भैया फ़ोन किए थे, उनके जो दोस्त हैं एक, तो वही फ़ोन किए थे, हाँ भाई अरमान बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ, आप कहाँ मुंबई जा रहे हो? मैंने बोला हाँ, तो सोनू सर से मिलने के लिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं सोनू सर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि फिर ना सर बोले हैं कि आपको ना साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैं आपका और साइकिल का दोनों का टिकट करवा देता हूँ, आप फ्लाइट से आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, फिर देखते हैं, मैं सोच के बताता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। सर ने बोला आपका जो है नज़दीकी एयरपोर्ट कौन सा है? तो मैंने बोला मैं तो अभी बनारस पहुँचने ही वाला हूँ, तो आप बनारस से मेरी टिकट करवा दें। फिर मैं बनारस गया, वहाँ पे गेट एंट्री गेट पे इतना मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना मज़ेदार मेरा सफ़र रहा, इतना एक्साइटेड फुल रहा कि बता नहीं सकता हूँ। जब एंट्री गेट पे गया तो आदमी सिक्योरिटी गार्ड देख करके इतना हक्का बक्का हो गया, यार ये कैसा आदमी है फ्लाइट से साइकिल को लेकर के जा रहा है। जब मैंने वहाँ पे नहीं बताया कि सोनू सर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने मेरी फ्लाइट बुक की है, तो
आगे वहाँ से बढ़ा तो जो है एंट्री गेट पे गया ना वहाँ पे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने उनसे बोला भाई मेरा टिकट है, ये रहा मेरा टिकट का, टिकट रहा ये, आप जो है सो मेरा साइकिल कहाँ जाएगा कि आप मेरा करवा दो। फिर उन्होंने बोला यार साइकिल लेकर, साइकिल साइकिल नहीं जाता है भाई। मैंने बोला मेरा टिकट बना हुआ है आप देख सकते हो। फिर उन्होंने बोला आप जाओ स्पाइस जेट के आदमी से मिलो। फिर मैं वहाँ पे गया स्पाइस जेट के आदमी से मिले, अमन अमन नाम था उनका साहब, उनसे जब मिला तो वो पहले के 5 मिनट तक हंसते रह गए भाई ये साइकिल लेके कहाँ। जब बाद में उनको पता चला कि भाई ये सोनू सूद सर से मिलने के लिए जा रहे हैं, इतना एक्साइटेड फील हुआ उनको, आए हमारे साथ दो चार फोटो खिंचवाए, मेरी साइकिल के साथ फ़ोटो खिंचवाए। उनका जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे बड़ा से बड़ा ऑफिसर जो था वो सारे आ गए, सारे आ गए और साइकिल अंदर गई, उसके बाद साइकिल की पैकिंग हुई, पन्नी लगी उसमें, सारे ने साइकिल के साथ फ़ोटो ली और मेरे साथ। लग नहीं रहा था कि भाई इतने मैं अपने गांव से इतनी दूर जा रहा हूँ किसी दूसरे आदमी से मिलने के लिए, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, ऐसा जो है घर का माहौल लग रहा था, उससे भी अच्छा बेहतर लग रहा था। तो सारे स्टाफ आ गए, इतने बड़े बड़े मुझे देख करके खुद पे शर्म आ गया यार मैंने क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े ऑफिसर आ गए हैं मेरी साइकिल को पन्नी लगा रहे हैं भाई। मैंने उनसे पूछा यार मैंने कोई गलती कर दी क्या, आप लोग इतने बड़े बड़े आदमी हो गए इतने पढ़े लिखे हो करके ये सारा मेरा ये साइकिल के पीछे पड़े हुए। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है सो हमारे मेहमान हो एक तरह से, आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने बोला ठीक है। वहाँ से फिर हम लोग मुंबई के लिए एयरपोर्ट के अंदर इंटर हुए तो वहाँ पे सारा आदमी था, उनका स्टाफ क्रू मेम्बर था, सारे ने पिक्चर विक्चर लिया। फिर हम फ्लाइट में गए, फ्लाइट में पूरी तरीके से मेरा ध्यान रखा गया था। वहाँ पे अंदर में जो क्रू मेम्बर थे वो नाश्ता खाना हर चीज़ बार बार आ करके पूछते थे, हाँ भाई अरमान आपको कोई दिक्कत, कुछ लोग हर तरह का बात हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ से जो ही फ्लाइट लैंड की मैं वहाँ से निकला तो सर बोले रुक जाओ आप ना अभी रुक जाओ थोड़ी देर उसके बाद जाना। मैं वहाँ पर रुक गया, सारे आदमी निकल गए, उसके बाद मैं जो हम नीचे उतरा सर बोले पहले मेरे साथ एक पिक्चर खिंचवा दो उसके बाद जाना। यहाँ से वहाँ पर जितना आदमी मिला भाई सारे ने फोटो ली। नीचे उतरा तो बोले सर आपके लिए ये बस नहीं है, मेरे लिए अलग से एक कार थी, पता नहीं मुझे पता नहीं है कौन सी कार थी, मैं बस में नहीं गया, मेरे लिए एक स्पेशल कार आई हुई थी, मैं कार में बैठा और कार से फिर वहाँ से मैं साइकिल भी कार में ही गया नहीं, साइकिल जो है वो क्या बोलते हैं उसको, साइकिल सर बोले कि वहीं पर छोड़ देने के लिए, बोले आप यहीं साइकिल को छोड़ दो फिर आप कल की आपकी फ्लाइट है तो आप यहीं से फिर आपकी जो है साइकिल रिटर्न जाएगी। मैंने बोला ठीक है। वहाँ से हम लोग आए ग्राउंड पे, यहाँ अंदर एयरपोर्ट के अंदर, तो अंदर गए वहाँ पे सारे जितने स्टाफ थे वहाँ मुंबई के उनके ढेर सारे स्टाफ मेरे पास आए और उन्होंने भी वीडियो वीडियो बनाई और फोटो वोटो लिए, सारे एकदम खुश थे। मुझे तो ये अजीब लग रहा था, इतना अजीब मुझे लग रहा था भाई मैं अरमान हूँ या फिर मैं खुद ही सोनू सूद हूँ जो मेरा इतना खातिरदारी किया जा रहा है, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरा हाथ पैर थक थक कर रहा था यार, अभी बोल के भी शरीर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। वहाँ से हम फिर गए अंदर तो अंदर घूमने के लिए टैक्सी बुक करवाई और डायरेक्ट मैं उनके घर पर गया था, उनके घर पर गया, नीचे सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने फ़ोन करी फिर सर ने बोला कि हाँ ठीक है उसको भेज दो। तो हम अंदर गए सब ने क्या क्या पूछे सोनू सूद आपसे, वहाँ गए तो सब ने बैठाया और चाय पीने के लिए दिया, चाय नाश्ता आया चाय पी और बिहार के बारे में हमारे गांव भाई यहाँ हमारे बिहार वासियों के बारे में उन्होंने हर तरह का बात बोला। मैं भी पहले बिहारी के आदमी बिहार आदमी के जो है मेरा बिहारी दोस्त है, बहुत ढेर सारे मेरे बिहारी दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बहुत दिन अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बिहारी होते एक्साइटेड आदमी है। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, उन्होंने बहुत देर मुझसे बैठाया और बातचीत हुई, हमारी घर के बारे में पूछे, गांव समाज के बारे में, बिहार के बारे में पूछे, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी ली, सारा चीज़ हुआ। उसके बाद और ये भी पूछे कि बिहार में मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं बिहार में, हाँ वो पूछे नहीं, मैंने उनसे पहले ही बोल दिया कि आपके लिए आपको बिहार में जो है सो आदमी भगवान की तरह मानता है, जिस घर में देखोगे आपका भगवान के फोटो के साथ आपका फ़ोटो लगा के आदमी वहाँ पूजा करता है, आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं उस आदमी के सामने बैठा हूँ जिसे कभी फिल्मों में देखा करता था, कभी सोच भी नहीं सकता था मैं इसे महान हस्ती से
फेस टू फेस बैठ के बात कर सकूँगा। और मुझे लगा ही नहीं कि ये वही बंदा है जिसे मैं मूवी में देख रहा हूँ एकदम सामने। मूवी में जैसा लगता उससे कई गुना ज़्यादा एक्साइटेड आगे में बैठे हुए थे मेरे, इतना अच्छा लग रहा था। ये बंदा वो नहीं है जो मूवी में है, ये कुछ अलग आदमी है। वो बोले आप मेरे मेहमान हैं रात में, उन्होंने आपको रहने का भी इंतजाम किया। हाँ, मैं वहीं पे उनसे 1.5-2 घंटे बातचीत हुई हर तरह के बारे में। गले भी मिलाए वो। हाँ, और उनके तरफ से गिफ्ट है, देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सोनू सूद ने क्या गिफ्ट दिया है मोहम्मद अरमान को। ये क्या गिफ्ट है? ये मेरे लिए पर्सनल, ये उनका है। ये डायरेक्टर फिल्म तेलुगु साउथ इंडस्ट्री की तरफ से है, डांसर एसोसिएशन ऑफ, ये डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से उनको दिया गया था। तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट करा है और आप देख सकते हो पीछे मेरा नाम भी लिखा हुआ था। तो बहुत सारा, एक जैकेट भी मेरे लिए खरीद के रखे हुए थे, जैकेट भी ढेर सारे सामान थे, बता नहीं सकता उतना। और फिर हमने वहाँ पर खाना वाना खाया और सर शूटिंग पे जा रहे थे, फिर उनको टाइम हो गया था शूटिंग पे जाने का। सर शूटिंग पूरी तरह से मेहमान नवाजी उन्होंने, पूरी मैं ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकता। और उन्होंने ये बोला कि जब जरूरत पड़े मुझे बताना। हाँ, सर ने बोला है कि जब भी कोई मदद चाहिए तो बता देना, कॉन्टैक्ट में रहना, उनका फ्रेंड है मानव। सर ने बोला मानव कॉन्टैक्ट में रहना, कोई भी दिक्कत हो तो बात करें। आपके घर परिवार के बारे में पूछो। हाँ, घर परिवार के बारे में, मम्मी पापा क्या करते हैं, पापा, तो मैंने सारी चीज़ बताई, घर में कितने हैं। मैंने बोला दो मेरी सिस्टर है, एक सिस्टर शादी हो गई, दो अभी और है, और दो भाई है मेरा। मीडिया में आप हीरो बन गए, हर जगह, हर अखबार, हर चैनल से आपको फ़ोन आ रहा है, कैसा लगता है? अजीब लग रहा है भाई, मैंने क्या तीर मार दिया मुझे खुद पता नहीं है भाई। हर तरफ से फ़ोन आ रहा है, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखा हुआ है मैंने, इतना फ़ोन आ रहा है मुझे, फ़ोन बंद करके रखना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई है। ये सब जो है कभी मुमकिन नहीं हो पाता अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस जिस जादू से इन्होंने मुंबई जाने के लिए खानी थी, वो जादू मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये जादू जो है, तो ये है इनकी साइकिल, आप देख सकते हैं पिक्चर में, यही है इनकी, मतलब पुरानी साइकिल है, मतलब टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त है, और इसी से इन्होंने मुंबई जाने की ठानी थी, और इस साइकिल सहित ये मुंबई गए थे। आप देख सकते हैं पिक्चर में इस साइकिल को, तो ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी और बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा चैनल भी आज इनका मतलब न्यूज़ चलाने के लिए मतलब शुक्रगुजार है इनका, क्योंकि इतना वायरल इनका वीडियो हुआ है, लाखों लोग इतना इनको देखे हैं कि आज आपको बता दें कि जो मतलब ये फेमस हो गए हैं, बिहार का हीरो बन गए हैं ये, और मतलब वहाँ से आने के बाद, और हर मीडिया में आज इनकी डिमांड हो रही है कि मतलब अपना फ़ोटो भेजो, अपनी मतलब इंटरव्यू मुझे दो। तो ये मतलब एक ढंग से, पूरी ढंग से मतलब ये इनको लग रहा है कि मैं मतलब अरमान नहीं बल्कि सोनू सूद हो गया हूँ। सोनू सूद ने इतनी की तरजीह दी है, इन्होंने बिहार का ईमान बढ़ाया है, बिहार के बारे में भी सोनू सूद ने काफ़ी कसीदे कहे हैं। वो बोले कि बिहार के लोग ऐसे होते ही हैं, मतलब उनके उनकी जज्बा को हम सलाम करते हैं, और हम जो मेरी नई पिक्चर आने वाली है उसमें हम बिहार आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे, सारी बातें करेंगे आप मतलब कि। हाँ, तो शुक्रिया है बातें न्यूज़ लाइव आपसे बात करने के लिए। मैंने सोनू सर का शुक्रिया अदा किया हमारे बिहार के लोगों के लिए इतना करने के लिए। और मैं वहाँ पे गया तो बिहारी स्टाइल में उनको मैंने अपना बिहारी स्टाइल है ना गमछा, मैंने एक गमछा उनको दिया, मेरे पास एक गमछा था, दोनों गमछा लगा के फ़ोटो वोटो सारे खिंचवाए, ढेर सारा वीडियो भी बनाया, पिक्चर भी ली उनके साथ। और मतलब 1.5-2 घंटे वो घर पे रुके तो मैंने वहाँ पे ढेर सारी मस्ती की। वहाँ पे उनका एक बेटा भी है, दो बेटे हैं शायद, एक मेरे जितना बड़ा है, उससे भी लंबा है थोड़ा, मेरे उम्र का है, तो उसने सारी चीज़ रिकॉर्ड की और हम दोनों ने बहुत ढेर सारी मस्ती की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे होटल पे, अपने उनका पर्सनल होटल है शायद वहीं पर, तो उन्होंने होटल मेरे लिए कमरा बुक करके रखा था। वहाँ पर जाने के बाद बहुत एकदम गर्दा लग रहा था रूम देखने में, मैंने कभी पहली बार ऐसा रूम भी देखा था। वहाँ पे जाने के बाद रात भर पूरा मैं सो नहीं पाया था, इतना एक्साइटेड, हर बार आँख बंद करता था सोने के लिए वही चीज़ सामने आ जाती थी, यार इतना इज्जत, इतना बात, इतना ऐसा ऐसा आदमी मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया, ऐसा ऐसा आदमी मिला मुझसे। मैं करीब 2 या 2:30 बजे ऐसे सोया था, और फिर 5 बजे 6 बजे नींद टूट गई थी मेरी। सर तो शूटिंग पे चल गए थे, नहीं तो फिर दोबारा मुलाकात होती। तो आपने देखा कि हम आपको मिलवाए बेगूसराय के आने वाले मोहम्मद अरमान जी से,
ये मतलब मुंबई गए, सोनू सूद से मिले, उनसे मिल करके आए और इनकी अजीबोगरीब जिद जिद के आगे सोनू सूद को भी नतमस्तक होना पड़ा, वो इनके कायल हो गए। अब फ्लाइट से बजाबता इनको मुंबई बुलाया, फ्लाइट से इनको यहाँ भेजा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, इनके जैसे मतलब गरीब परिवार के मतलब लड़के मोहम्मद अरमान के लिए कि सोनू सूद जैसे आदमी से मिल लें, उनसे गले मिल लें, उनसे साथ फ़ोटो खिंचवा लें और वहाँ से आएँ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। हम ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे, आप देखते रहिए प्रत्येक गुनाई। पटना से दीपक के साथ मैं अजय शंकर।